आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है, लेकिन चुनावी मौसम में इस फैसले के कई मायने भी निकाले जाने लगे हैं। आकाश आनंद को मायावती ने पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद से वो पार्टी को मजबूत करने में जुट गए थे, लेकिन अब चुनाव आ गया है। ऐसे में जहां बीएसपी सुप्रीमो चुनाव प्रचार में जुटी हैं, ऐसे ही आकाश आनंद भी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगे हुए हैं। अब थोड़ा आकाश आनंद के बारे में जान लीजिए। आकाश आनंद, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने लंदन के कॉलेज से एमबीए करने के बाद 2017 में राजनीति में एंट्री ली थी। अभी हाल ही में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी आकाश ने संभाली थी। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने उन्हें जनता के सामने पहली बार पेश किया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा ने आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया था। इसके बाद साल 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, जिसमें आकाश का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। वैसे तो आकाश आनंद को वाई प्लस सुरक्षा करीब एक महीना पहले ही मिल गई थी, लेकिन ये बात तब सामने आई जब शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में फरीदाबाद पहुंचे थे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।